जैन गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े डाउट के ऊपर जो हर एक फास्ट बॉलर के मन में होता है, खासतौर पर जब वो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं। क्या फास्ट बॉलर को जिम जाना चाहिए, कौन सी एज परफेक्ट होती है जिम ज्वाइन करने के लिए, या फिर किस टाइप के बॉलर को जिम जाना चाहिए? क्या वो हिप डोमिनेंट बॉलर है तो क्या वो हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर नी डोमिनेंट बॉलर है तो क्या वो हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो गाइस, मैं आज आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, तो प्लीज गाइस आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। और गाइस, अभी तक मुझे आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहां पर मैं बहुत सारे Q&A करता हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए, तो वहां पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जवानों को ओम शांति करना चाहता हूं जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और साथ में उनकी फैमिली को है ना एक अच्छा सपोर्ट और ब्लेसिंग्स दे। तो चलिए गाइस, फिर हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले डाउट के ऊपर कि कौन सी एज परफेक्ट होती है फास्ट बॉलर के लिए कि वो जिम ज्वाइन करे। तो गाइस सबके मन में आता है कि क्या मैं भी जिम ज्वाइन करूं, लेकिन वो डाउटफुल रह जाते हैं क्या उनकी वो एज परफेक्ट है जिम ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप 15 ईयर से प्लस हो, यानी कि आपकी एज 15 है या 15 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप 15 या 14 इवन जो 14 इयर्स के लड़के हैं या फिर 14 प्लस हैं, उनको भी NCA लेवल पर या फिर बोर्ड लेवल पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग कराई जाती है जिम में, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए गाइस अगर आप 14 प्लस या 15 प्लस हो तो डेफिनेटली आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए गाइस, अब चलते हैं हमारे सेकंड डाउट के ऊपर, और वो रहता है कि क्या जिम जाने से हाइट रुकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और अदर जो टॉप कंट्रीज हैं जो ओलंपिक में हमेशा टॉप करती हैं, अगर आप वहां के स्पोर्ट्समैन की वीडियोस देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बचपन से या बहुत छोटी एज से वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए, हमारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल हार्मोन है जो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ये बहुत बड़ा डाउट है गाइस कि जिम जाने से हाइट रुकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत ज्यादा ओवर हेड लिफ्टिंग करते हो, या आप ऊपर जो वेट ले जाते हैं जितनी वो एक्सरसाइजेस हैं, अगर उनमें बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाते हो सकता है कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े आपकी स्पाइन पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हाइट कंप्लीटली रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। हाइट कंप्लीटली DNA के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना DNA में आपकी हाइट लिखी होगी उतनी ही बढ़ेगी हाइट। ऐसा नहीं होगा कि उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपने कुछ ले लिया, या फिर उससे बहुत ज्यादा कम रह जाएगी या फिर आपने जिम ट्रेनिंग की तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जिम जाने से हाइट रुकेगी। एक्चुअली आपकी हाइट को थोड़ा बूस्टअप जरूर मिलता है जिम जाने से, तो प्लीज गाइस आप ये मिथ अपने दिमाग से निकाल लीजिए। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको बता दूं ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% बॉलर्स इंडिया में ये भी मिस्टेक कर रहे हैं, खासतौर पर जब वो जिम ट्रेनिंग करते हैं, कि वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग वाली ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि एक दिन उन्होंने चेस्ट लगा लिया, एक दिन उन्होंने बाइसेप लगा लिया, एक दिन उन्होंने अपनी लेग्स लगा लिए। ऐसा नहीं करना है, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है गाइस। आप ये बात समझिए कि आप एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर हो, आपको फास्ट बॉलिंग वाली ट्रेनिंग करना है, ना कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। हमें अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये होता है कि हमें जिम में वही एक्सरसाइजेस करनी है जो हमारी फास्ट बॉलिंग में स्पीड बढ़ाने में हेल्प करें, या फिर हमें इंजरी से बचाने में मदद दें। तो मैं आपको बता दूंगा इसके इंजरी बचाने के लिए आपको जो जिम ट्रेनिंग करनी है वो बेसिक रहेगी, यानी कि आपके बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अप टू मार्क होने चाहिए। यानी कि आपको कम से कम 30 से 40 किलो तक बेंच प्रेस लगाना चाहिए, या फिर 50 से 60 केजी का स्क्वाट्स लगाना चाहिए। तो इतना जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपके बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अच्छे हैं। यानी कि जब आपके बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अच्छे हैं तो यानी कि आप ऑन सीजन में बॉल डालोगे तो आप इंजरी से बचे रहोगे, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रांग हो चुके हैं। जब मसल स्ट्रांग होते हैं गाइस तो आपको इंजरी से बचाते हैं। कोई भी जॉइंट इंजरी, कोई भी नी इंजरी, कोई भी बैक इंजरी होनी होगी तो वो आपको इंजरी नहीं होगी अगर आपके मसल्स अच्छे तरीके से स्ट्रांग होंगे। हर फास्ट बॉलर के लिए जरूरी होता है गाइस कि उसके बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अच्छे हो। तो जब आपने बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अपने अप टू मार्क कर लिए, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अच्छे कर लिए, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब ये होता है गाइस कि आपका कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग होती है। हर एक फास्ट बॉलर की बॉडी अलग है, हर एक फास्ट बॉलर का एक्शन टाइप अलग है, तो इसलिए हर एक फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग टाइप भी अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा गाइस कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे फास्ट बॉलर फॉलो करेंगे, या फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सारे टाइप के फास्ट बॉलर फॉलो करेंगे। यहां पर दो कैटेगरी आती है गाइस, एक होते हैं हिप डोमिनेंट, एक होते हैं नी डोमिनेंट। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी समझाया है गाइस कि हिप डोमिनेंट बॉलर्स कौन से होते हैं और नी डोमिनेंट बॉलर्स कौन से होते हैं। तो यहां पर बात आती है कि किस बॉलर को कितनी ट्रेनिंग करना है। देखिए गाइस, नी डोमिनेंट बॉलर्स वो होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके बॉल डालते हैं बहुत ज्यादा, और जो हिप डोमिनेंट बॉलर होते हैं वो स्प्रिंट बेस्ड या फिर आप बोल सकते हो कि स्पीड बेस्ड बॉलर होते हैं। यानी कि वो अपना जो मैक्सिमम पेस है वो रनअप से जनरेट करेंगे, और जो नी डोमिनेंट बॉलर होते हैं गाइस वो अपने क्रीज पर ज्यादा एफर्ट लगाकर बॉल डालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्रीज पर जब आपको एफर्ट लगाना पड़ता है तो आपको अपनी बॉडी की एक एक मसल को बहुत अच्छे से और पावरफुली यूज करना होता है। तो इसलिए आपका जो
स्ट्रेंथ लेवल है वो काफी अच्छा होना चाहिए अगर आप एक नी डोमिनेंट बॉलर हो। और जो हिप डोमिनेंट बॉलर होते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि वो वही एक्सरसाइजेस करें जो उनके लिए सही है। इसका मतलब ये है गाइस कि वो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हिप डोमिनेंट बॉलर जिम में जाकर 100 किलो के स्क्वाट्स लगा रहा है या फिर 80 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है। उनको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। मैं बार बार ये चीज बोल चुका हूं आप लोगों को कि हमें बॉडी बिल्डिंग वाली ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है। इंजरी प्रिवेंशन के लिए आप शुरू में बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो गाइस, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इंजरी बचाने के लिए। गाइस अगर आप पहली बार जिम ज्वाइन कर रहे हो, पहली बार जिम जाने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं आपके 2-3 महीने लगेंगे आपको अपने बेसिक स्ट्रेंथ लेवल कवर करने में, यानी कि आपके बेसिक स्ट्रेंथ लेवल को अच्छा करने में। तो 2-3 महीने के बाद आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपके डोमिनेंस के हिसाब से। तो जो शुरू के 2-3 महीने रहेंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा गाइस कि आपको शुरू में जाकर जिम में कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे आपकी बेसिक स्ट्रेंथ लेवल अच्छे हो जाए। और जो बॉलर्स एक्सपीरियंस हैं काफी टाइम से जिम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इसके अगर आप बॉडी बिल्डिंग वाला रूटीन फॉलो कर रहे हो कि एक दिन चेस्ट, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप या फिर एक दिन लेग्स, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तो गाइस प्लीज जिम जाने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर जिम ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ के जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी बॉडी होती है, हम जनरली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, हमको लगता है कि बस अब ऐसे ही बॉडी हमको बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जनरली यही मिस्टेक करते हैं शुरू में कि हम वही बॉडी बिल्डिंग वाली ट्रेनिंग करने लगते हैं, और उससे क्या होता है गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट निकल कर आता है। और मैं आपको बता दूंगा जो हिप डोमिनेंट बॉलर्स होते हैं ना, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ना, तो उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे बजाय पॉजिटिव इफेक्ट के। तो बिलीव मी गाइस, उनका जो पेस है बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक जाएगा या फिर और कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा अपने आप में भारी हो जाएगी, क्योंकि वो स्प्रिंट बेस्ड बॉलर है गाइस, उनको स्प्रिंट यानी कि उनको रनअप में भागकर बॉल डालना पसंद है। तो डेफिनेटली वो ऐसी ट्रेनिंग नहीं कर सकते कि भाई वो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी फुला लें या फिर बॉडी बढ़ा लें और फिर उनसे जब भागा भी नहीं जाएगा, उनसे हाथ भी नहीं घूमेगा, ऐसी ट्रेनिंग नहीं करनी है गाइस। आपको बहुत स्पेसिफिकली ट्रेनिंग करनी है, आपको सिर्फ वही एक्सरसाइजेस करने हैं जो आपको इंजरी भी प्रिवेंट करें, आपको इंजरी से बचाएं, और साथ में आपकी जो स्पीड है, स्पीड इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपकी जो स्पीड है ना तभी इंप्रूव होगी जब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी डोमिनेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। जिम में बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, फॉर एग्जांपल टेंडन स्टिफनेस पर वर्क करना पड़ेगा। प्रीटन के लिए बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं जो जिम में की जाती हैं, वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको जिम जाने से बहुत कुछ फायदा मिलेगा, आपकी बॉलिंग स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर आप सेम रूटीन फॉलो करते रहोगे जो कि बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, उनसे आपको कभी भी स्पीड में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो गाइस ये थे आज के हमारे की पॉइंट्स, आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। और गाइस अगर आपके जो भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनके जरूर रिप्लाई करूंगा। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर जरूर जाना। तो चलिए गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।